वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 14.3 का वीडियो नंबर 4 देख रहे हैं, क्लास 10 मैथमेटिक्स आर्यभाषण में। इस साल 14.3 का ये लास्ट वीडियो है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपको छोड़ दिया था, आज हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में नया क्या है, कुछ विशेष नया नहीं है, थोड़ा सा नया है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखते हैं। देखिए इस सवाल में नया क्या है, अब माध्यक देखिए लिखा हुआ 28.5 क्या दिया गया आपको, माध्यक आपको इस सवाल में दिया गया 28.5, ये नया है। तो हमको x और y का मान निकालने बोल रहा था। अभी तक हम जितना सवाल को सॉल्व कर रहे थे, उन सभी सवालों के अंदर हम माध्यक निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे, माध्यक निकाल रहे थे। लेकिन आज के सवाल में क्या है, हमें x और y उल्टा निकालना है। क्या करना है हमें, वो उल्टा निकालना है। ठीक है, चलिए। 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में 1 है, 20 से 30 में 20 है, 15 है, 22 है और 5 है, योग भी दिया गया 7 है, समझ रहे हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है इस सवाल में नया, आपको समझ में आई बात। क्वेश्चन मैंने क्या, इस सवाल में मध्यस्थ दिया गया 28.5 और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं, नया सवाल है तो इसमें नया क्या है हमारे लिए, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अरे बात समझे, चलिए सवाल हमारा ये दिया गया 0 से 5, ये सवाल है हमारा। चलिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, बस वही करना है, मध्यस्थ हमको सब जो आवृत्ति दिया गया है तो क्या करेंगे, हम संचयी आवृत्ति में बदलने का प्रयास करेंगे। जो सवाल है इस सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति में दिया गया है, इसको हम संचयी आवृत्ति में बदलने का प्रयास करेंगे। चलिए 0 से 10, 5 सब क्वेश्चन हमें लिख दिया। ठीक है, सबको जो फल 60 को नीचे ही दिया गया था, बुक में दिया है जो फल, सबका 60 दिया गया था, हमें 60 यहाँ लिख दिया। ठीक है, पहला 5, जो 5 का 5 हो गया, 5 में ये जोड़ेंगे तो 5 जोड़े x तो 5x, 5x जोड़े x 20 तो 20 से 5 25 प्लस x, x में जोड़ना है हमें, 20 में जोड़ना है 5। अंक को अंक के साथ, x को x के साथ, y को y के साथ, ऐसे जोड़ते हैं, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं ना हम भी। चलिए 20 हो गया, 25 या 15 40, गलती यहाँ पर x प्लस होगा, बुक है मिस प्रिंट होता है, 40 प्लस y तो 40 प्लस x प्लस y हो गया। अब इसमें 5 जोड़ दो, 40 5 45 इंटू एक्स प्लस बाई, है ना, निकल गया कुल, कुल कितना हो गया, यहाँ से संख्या यहाँ से यहाँ तक भैया। ठीक है, इन सबको जोड़ दें कितना आएगा, इनकी वैल्यू 45 प्लस एक्स प्लस बाई हो जाएगा, इन सब कुल कितना है 7। चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन में क्या है, अब मध्यस्थ आपको देखिए 28.5 ऑलरेडी सवाल में दिया गया है। अभी तक तो हम n by 2 निकाल ले रहे थे और n by 2 को निकाल करके उसमें से संचयी आवृत्ति देखते हैं। अभी हमारा संचयी आवृत्ति वाला वर्ग कौन सा होगा, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। 28.5 हमारा किस में आएगा, तो देखिए 28.5 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 28.5। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 28.5 किस में आएगा हमारा, अभी तक जो सवाल हमने देखा था कि हम इधर से गिनती कर रहे थे इधर वाला में देख रहे थे, लेकिन नहीं, अगर हमारा दिया गया है कि मध्यस्थ कितना है 28.5 है, तो ये 28.5 आपको इस बॉक्स में देखना है, इसमें देखना है, इस बॉक्स में देखना है कि 0 से 10 में नहीं आएगा 28, 10 से 20 में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा आंसर है, हमको इसमें से हमारा आंसर इसमें से आता है। मध्यस्थ वाला वर्ग कौन सा होगा, तो मध्यस्थ वाला वर्ग 20 से 30 से पीछे कर रहे थे, अभी यहाँ देखिए कौन है 28.5, तो 10 से 20, 10 0 से 10, 10 से 20 नहीं आएगा, देखिए 20 से 30 में आएगा, नहीं 28.5, 20 से 30, तो 20 से 30 वाले वर्ग में 28.5 होगा कि नहीं होगा, तो इसमें होगा, यानी हमारा मध्यस्थ वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए हमारा एल, एल मतलब क्या होता है, सूत्र तो यही होता है आपको, सही है, एच यहाँ एच कर दो या यहाँ लिख दो, यहाँ यहाँ ये सही है। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप और यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें एच सही लिखा हुआ। ठीक है, चलिए एल एच को इधर लिख दो या इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एल प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी ए बटे में एफ हो गया आपके आर्यभाषण में। चलिए
एल उसके संचय आवृत्ति न्यूनतम सीमा बिंदु, तो न्यूनतम सीमा बिंदु 20 से 30 है तो 20 हो गया एल हमारा, ठीक है। सी एफ उसके पहले वाले वर्ग की संचय आवृत्ति, उसके पहले वाले वर्ग की संचय आवृत्ति कितना हो गया 20 से 30 वाला वर्ग में, तो कितना हो जाएगा आपको 5 + x, तो 5 + x हो गया आपको, होगा ना। अब सी एफ अब कैसे आया था समझ सकते हैं ना। देखिए संचय आवृत्ति वाला वर्ग कौन सा 20 से 30 हो गया, तो इसकी आवृत्ति 20 हो गई, इससे पहले वाला वर्ग की संचय आवृत्ति ये हो गया, ये एफ हो गया और ये सी एफ हो गया f + x, और इसका अंतराल ये हो गया, वही हमने वैल्यू लिख दिया आपको। अरे बात सुन, चलिए आप निकल गया वैल्यू पुट कर दीजिए मध्य। अब यहाँ देखिए मध्य दिया है 28.5 दिया गया, क्या दिया गया 28.5, एल की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 10, इसके बीच का जो अंतराल है वो कितना है, दोनों के बीच इसके बीच का अंतराल कितना है 10 है कि नहीं है, तो 10 हो गया। अब n/2 में क्या आपको दिया गया है, n/2 में अब कितना हो जाएगा n/2 में n/2 45 कितना है 60 + 2 30 हो गया नहीं, एन का वैल्यू कितना है, अब कुल संख्या को जोड़ेंगे हम तो 60 है कि नहीं, n = तो n/2 कितना हो जाएगा 60/2 काटेंगे कितना आएगा आपको 30 आएगा, कुल जोड़ के 60 आया था ना, वो सवाल में सवाल के अंदर ही था ना कुल जोड़ के 60, ये सब देखिए जोड़ के इतना आया था, कुल सब जोड़ के 60 आया था। n/2 यही होता है ना, इसको जोड़ दो दूसरे डिवाइड कर दो n/2 होता है, तो चलिए n/2 निकल गया 30 हो गया। अब सी एफ उसके पहले 5 + x हो गया बटे कितना हो गया 20 हो गया, सबसे पहले 20 दिया गया है 20 हो गया, गुना कीजिए लड्डू से लड्डू कट गया, बचा क्या है 2 बच गया। अब 30 में से 5 गया 25, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है प्लस है प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस है प्लस माइनस माइनस, 25 - x/2। अब हम क्या करेंगे इसको, हम सबसे पहले काम करने, अब यहाँ से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन दे दिया है, हम थोड़ा वो डिपेंड कर रहे थे। अब इसको पहले इधर भेज दीजिए 28.5 घटाओ 20 वर्क नहीं होगा इसका, यहाँ से बाहर हम डायरेक्ट ये दो लाइन को हम नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए 20 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 25 - x/2 घटाएँ कितना होगा 8.5 बराबर 25 - x/2। अब गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 18 × 16 = 17 कितना हो जाएगा 17 बराबर 25 - x, इसको इधर भेज दीजिए 100 बराबर कितना हो जाएगा 25 - 17, 25 - 17 का कितना 3 × 5 = 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दो लाइन को जाने दीजिए आप, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए अभी इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो 28.5 - 20 बराबर 25 - x/2 हो गया, ठीक है। 28.5 - 20 किया तो कितना बचेगा 8.5 और 25 - x/2, तीसरा तीसरी गुना करेंगे हम तो 8.5 × 2 17 हो जाएगा बराबर 25 - x। तो अब इसको हम इधर कर देंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, 25 प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारे वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, आएगी नहीं आएगी। अभी क्या है हमारा, अब सवाल है 45 + x + y = 7, ये संख्या पूछे कहाँ से आया था, ये संख्या इधर से आया था, देखिए ना 45 + x + y ये सभी का योगफल है कि नहीं है, ये कितना है 60 है, वही आपको दिया गया है, कितना है आपको 60 दिया गया है। 45 + x + y = 60, इसमें 8 की वैल्यू पुट कर दो, 45 + 8 + y = 60, तो 45 - 60 कितना हो गया 45 है ना, 45 - 8 इतना तो कितना बचेगा 7 बचेगा, एक्स की वैल्यू कितना हो गया हमारा ऊपर 8 निकल गया और वाई की वैल्यू कितना निकल गया हमारा 7 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 8 और हमारा 7 होगा। आ रही बात समझ में, बस यही कुछ नहीं आता और कुछ विशेष नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने दो देख लिए, अभी क्वेश्चन नंबर हम 7 बाकी रह गया था, 7 को भी देख लेते हैं। 7 भी वही है, 7 में कुछ नया नहीं है सर, बस पीछे वाला चीज़ें दिया गया है 40 से 45 - 50 सब संख्या दी गई है, इसका 2 संख्या निकालना है ना, ये संख्या दे दीजिए, फिर ठीक है इसमें क्या है भाई 40 से 45 दो सब संख्या पीछे वाला सवाल कराइए, आपको दिया गया 2 2 3 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 2 30 सबको जोड़ दीजिए, निकल गया संचयी आवृत्ति। जब संचयी आवृत्ति निकल गया तो हम क्या करेंगे, जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए सिंपल सवाल, n/2 30 15/2 सबकी वैल्यू दे गया, गुणा भाग कर दीजिए, हमारा आपका पहले आंसर हो गया, कुछ नहीं आनी है इस सवाल के अंदर, जो पीछे पढ़े हैं वही है। अरे बात सुनिए, इस तरह एक क्वेश्चन 7 के साथ क्या हो गया, ख़त्म हो गया।
चलिए इसका और आपका होमवर्क ले लीजिए आप। आर्यभाषा मैंने पीछे छोड़ दिया था आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 6, 7, 8, 9 एक्स बाई लिखा है यहाँ पर, एफ वन एफ टू लिखा है बात से, इसको एक्स मान लीजिए, इसको बाई मान लीजिए। प्रैक्टिस करना है आपको सवाल में, ठीक है, आप ऐसे भी करके देख सकते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये चार सवाल आपको करना है होमवर्क के रूप में। ओके, थैंक यू।